ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री KN राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य आचार्य रमन जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गत 20 वर्षों से। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम आओ ज्योतिष सीखे में। मित्रों, पार्ट 4 में हमने सारी जानकारी ली कुंडली में बनने वाले सारे शुभ योगों के बारे में, और पार्ट 5 में हमने सारे के सारे कुंडली में जो अशुभ योग बनते हैं उनके बारे में टोटल जानकारी हासिल की। अब पार्ट 6 में हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे ग्रहों का प्रभाव बनने वाला अलग अलग 12 भावों में, यानी सूर्य का प्रभाव पहले भाव में क्या रहेगा, दूसरे भाव में क्या रहेगा, तीसरे भाव में क्या रहेगा, ऐसी चंद्र का प्रभाव पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक क्या रहेगा, मंगल का प्रभाव क्या रहेगा, बुध शुक्र शनि इन सब के प्रभाव पहले भाव से लेकर 12 भाव तक क्या रहेंगे, ये हम जानेंगे पार्ट 6 में इस सीरीज में, इस वीडियो में। और मित्रों, अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आए तो जरूर इस पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। मित्रों, स्वागत है आपका कार्यक्रम आओ ज्योतिष सीखे में। पार्ट 6 में हम सारी जानकारी लेंगे कि सूर्य कुंडली के 12 भावों में क्या रिजल्ट देता है। अगर सूर्य प्रथम भाव में स्थित हो तो क्या रिजल्ट आएगा, द्वितीय भाव में स्थित हो तो क्या रिजल्ट आएगा या क्या प्रभाव आएगा, अगर कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो क्या प्रभाव या क्या रिजल्ट देगा। ऐसे करते करते हम सूर्य का 12 भाव में क्या रिजल्ट देगा उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मित्रों, जैसा कि आप ये कुंडली देख पा रहे हैं, इसमें पहला भाव वही रहता है जहां पे लगन लिखा गया है। ये जो नंबर लिखे गए हैं मित्रों, ये राशियां हैं, किंतु पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन या असेंडेंट लिखा रहता है। इसमें 9 नंबर का मतलब है मित्रों धनु राशि, यानी ये धनु लगन की कुंडली है। 9 नंबर मतलब धनु, 10 नंबर मतलब मकर, 11 नंबर मतलब कुंभ। ये जो है नंबर लिखे हुए ये राशि है मित्रों, किंतु पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन लिखा है। इसमें अगर 1 नंबर है तो इसका मतलब मेष राशि, 2 नंबर जहां लिखा है वृषभ राशि, 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, 7 का मतलब तुला राशि, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, 9 नंबर मतलब धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि और 12 नंबर मीन राशि। किंतु पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन लिखा है, जैसे आप इस कुंडली में देख रहे हैं। प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, तृतीय घर, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th 9th 10th 11th 12th। अब मित्रों, सूर्य का रिजल्ट जो है अलग अलग भाव में क्या रहेगा वो उस पर भी डिपेंड करता है कि सूर्य किन राशियों में स्थित है। सूर्य उच्च में है, नीच में है, या फिर अपने घर में है, मित्र की राशि में है या शत्रु की राशि में है। एक बार इस बारे में भी एक बार जानकारी ले लेते हैं। अगर हम ग्रह सूर्य की बात करें तो मेष राशि में, यानी 1 नंबर में अगर कहीं सूर्य स्थित है तो वह उच्च का रहता है। अगर सूर्य कुंडली में कहीं 7 नंबर में स्थित है, यानी तुला राशि में स्थित होने पर सूर्य नीच का रहता है। और अगर सूर्य कहीं 5 नंबर में स्थित है, यानी सिंह राशि में स्थित है, तो वह उसका अपना भाव या अपना घर होता है। अब एक बार सूर्य के मित्र ग्रहों की बात कर ले तो चंद्र, मंगल और गुरु उनके मित्र ग्रह हैं। और चंद्र स्वामी है 4 नंबर यानी कर्क राशि के, मंगल स्वामी है 1 और 8 यानी मेष एवं वृश्चिक राशि के, और गुरु स्वामी है 9 एवं 12 यानी धनु एवं मीन जो है राशि के स्वामी है गुरु। यानी सूर्य अगर अपने मित्र की राशि में है, यानी 4 नंबर अगर कर्क में स्थित है, मेष में स्थित है, वृश्चिक में स्थित है, धनु या मीन में स्थित है, तो वह शुभ रिजल्ट या फेवरेबल रिजल्ट देगा। अब एक बार शत्रुओं की बात कर ले तो सूर्य के शत्रु हैं शनि एवं शुक्र, और शनि स्वामी है 10 एवं 11 नंबर के, यानी शनि स्वामी हुए मकर के एवं कुंभ राशि के, और शुक्र जो है स्वामी है वृषभ राशि 2 नंबर के और 7 नंबर तुला राशि के। यानी सूर्य अगर कहीं 10 नंबर यानी मकर में, कुंभ में, वृषभ में या तुला में स्थित होने पर जो सूर्य ग्रह है उनका रिजल्ट जो है अशुभ या अनफेवरेबल रह सकता है। अब अगर सम या न्यूट्रल की बात करें तो सूर्य से न्यूट्रल ग्रह है बुध, जिनका स्वामी है जो 3 और 6 नंबर के, यानी मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध है। तो अगर सूर्य मेष राशि में है जो उच्च का स्थान है, या फिर सिंह राशि में है जो उनका अपना स्थान है, या फिर मित्र राशि में है यानी चंद्र की राशि में, मंगल की राशि में या गुरु राशि में, या फिर बुध की राशि में है, तो उसमें हम देखेंगे कि सूर्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ राशि में है तो वह शुभ फल देंगे। अगर सूर्य नीच राशि में है या फिर शत्रु राशि में है तब उनका फल जो है अशुभ रहेगा। तो ऐसे करके हमने आकलन करना है सूर्य की हर राशि का कि सूर्य राशि में क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि हम अभी जो जानकारी ले रहे हैं वो सूर्य किस राशि में क्या प्रभाव देंगे उसकी नहीं ले रहे, सूर्य कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव लेंगे, यानी पहले भाव में कैसा रहेगा, दूसरे भाव में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 8वें भाव में सूर्य क्या रिजल्ट देंगे, हम उनकी जानकारी ले रहे हैं। तो मित्रों शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो मित्रों चलते हैं पहले भाव की ओर, जहां पे हम जानेंगे सूर्य का रिजल्ट अगर वह पहले भाव में स्थित है, यानी अगर पहले घर में सूर्य स्थित है तो क्या रिजल्ट होंगे। मित्रों मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन में लग्नस्थ सूर्य, अगर सूर्य लगन में है तो वह जातक को अहंकारी, स्वार्थी तथा सत्ता लोभी बनाता है, तथा अगर वह कहीं कर्क में, सिंह में, कन्या में, तुला में, वृश्चिक में या धनु में, यानी मित्र राशि में अगर स्थित है लग्नस्थ सूर्य यानी लगन में सूर्य, तो वह जातक को गुणी, विनम्र, दयालु तथा बुद्धिमान बनाता है। साथ ही साथ लगन में सूर्य अगर शुभ है तब वह दृढ़ स्वभाव, धैर्यशीलता, स्वाभिमान, उदार एवं महत्वाकांक्षी बनाता है अगर लग्नस्थ सूर्य स्थित है। तब लगन में सूर्य होने से जातक का जीवन सूर्य के समान उन्नति करता है, बाल्यकाल में जितना सुख मिलता है उससे कहीं अधिक सुख उसे युवा अवस्था या प्रौढ़ अवस्था में मिलता है या वह भोगता है अगर लगन में सूर्य स्थित है। मित्रों लग्नस्थ सूर्य सिर में रोग या चोट का खतरा देता है, अगर लगन में सूर्य है और अशुभ है तो वह सिर में रोग या चोट का खतरा दे सकता है, जैसे पित्त रोग, ये भी खतरा बना रहता है। साथ ही साथ क्योंकि उसकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है तो जीवन साथी के साथ कलेश या दुख भी मिलता है। लग्नस्थ सूर्य जातक को असंतोषी बनाता है, परंतु वह दूसरों को उत्साहित करने की क्षमता उसमें होती है अगर सूर्य लगन में स्थित है। तो उच्च राशि का सूर्य अगर स्थित है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है अगर लगन में स्थित सूर्य, तो वह जातक को नैतिकवादी, श्रद्धा एवं विश्वास पात्र बनाता है। साथ ही साथ सामाजिक पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की स्थिति भी बनती है अगर लगन में सूर्य उच्च का या शुभ ग्रहों से दृष्ट है तब। तो मित्रों अभी हमने जाना कि पहले भाव में अगर सूर्य स्थित है तो उसके क्या प्रभाव या रिजल्ट्स आते हैं। तो मित्रों चलते हैं नेक्स्ट कुंडली की ओर, जिसमें सूर्य जो है दूसरे भाव में अगर स्थित है तो क्या प्रभाव या क्या रिजल्ट्स रहते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख पा रहे हैं, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां। पहला भाव वही रहता है जहां पे लगन है, इसमें सूर्य जो है पहला भाव, दूसरे भाव में सूर्य स्थित है। तो मित्रों चलते हैं द्वितीय भाव में अगर सूर्य स्थित है तो क्या रिजल्ट्स या प्रभाव रहेंगे उसके। मित्रों द्वितीय भाव संपत्ति का भाव भी कहा जा सकता है, कुंडली के दूसरे भाव में अगर सूर्य स्थित है तो वह जातक को समृद्धशील बनाने में सहयोग देते हैं और साथ ही साथ आपका ईश्वर पर विश्वास बना रहेगा। ऐसा नहीं होने पर सूर्य धन संचय में परेशानियां उत्पन्न करता है। यानी अगर सूर्य द्वितीय भाव में स्थित है और अगर आपका विश्वास ईश्वर में बना हुआ है तो वह आपको समृद्धशाली यानी धन से भरपूर बनाता है, किंतु अगर ऐसा नहीं है तो आपको धन संचय करने में परेशानियां उत्पन्न करता है अगर सूर्य दूसरे भाव में स्थित है। तो सूर्य आपको कई कामों में दक्षता देगा अगर सूर्य द्वितीय भाव में है तो। आप सरकार या सरकारी कामों से धन प्राप्त कर सकते हैं। तांबा, सोना या अन्य धातुओं के व्यापार के माध्यम से भी आप धन कमा सकते हैं अगर सूर्य द्वितीय भाव में स्थित है तो। यह सूर्य आपको चेहरे या मुंह पर रोग दे सकता है मित्रों, अगर द्वितीय भाव में सूर्य है तो। इसके साथ ही यदि आपके खान पान का उचित ध्यान नहीं रखा है आपने तो यह आपको अपच और उससे संबंधित अन्य रोग जो है दे सकता है, जो आपको टाइम टू टाइम परेशान कर सकते हैं। अपच यानी कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स दे सकता है जो आपको परेशान करेंगे। अगर मजबूत सूर्य दूसरे भाव में स्थित है और साथ ही साथ शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो आत्मसम्मान और स्वतंत्रता देता है। यानी वह जातक को आत्मसम्मान देता है और स्वतंत्र बनाता है। जातक लालची और कुरूप भी हो सकता है अगर यही सूर्य दृष्ट है बुरे भावों से, या फिर सूर्य जो है अपनी शत्रु राशि में स्थित है। आपके बच्चे खुशहाल रहेंगे, अच्छे होंगे, लेकिन मध्यावस्था में जीवन साथी का स्वास्थ्य को यह प्रभावित करेगा अगर सूर्य जो है दूसरे भाव में स्थित है तब। तो मित्रों अभी हमने जाना सूर्य के रिजल्ट या प्रभाव अगर सूर्य जो है कुंडली में दूसरे भाव में स्थित है तब। तो मित्रों चलते हैं तीसरे भाव की ओर और जानते हैं कि तीसरे भाव या तृतीय भाव में सूर्य की स्थिति से क्या रिजल्ट या प्रभाव मिलते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, लगन पहला भाव यही है जहां पे लगन लिखा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पे सूर्य जो है तृतीय भाव में स्थित है। मित्रों तृतीय भाव में स्थित सूर्य आपके भीतर एक विशेष प्रकार का आकर्षण देते हैं और साथ ही साथ आपको पराक्रमी बनाता है। आप एक राज्यमान और प्रतापिक व्यक्ति हो सकते हैं अगर सूर्य जो है तीसरे भाव में स्थित है। आप बलशाली और प्रतिष्ठावान व्यक्ति होंगे, लेकिन यहां स्थित सूर्य आपको भाइयों की संख्या में कमी दे सकता है। यानी आपके भाई जो हैं कम होंगे। सूर्य अगर तृतीय भाव में स्थित है तो जातक के शारीरिक और मानसिक क्षमता के लिए बहुत ही अच्छा या फेवरेबल या शुभ माना जाता है। जातक शौर्यवान और बहादुर होगा और साथ ही साथ जातक के शारीरिक बनावट और उसकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी अगर सूर्य तृतीय भाव में शुभ ग्रहों से दृष्ट है और अपनी मित्र राशि या उच्च का या अपने घर में स्थित है अगर तीसरे भाव में। जातक को अपने भाइयों के साथ ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ जातक अपने भाइयों से द्वेष रख सकता है अगर सूर्य शत्रु राशि में स्थित है या फिर अशुभ ग्रहों से दृष्ट है। अगर तृतीय भाव में उत्तम स्थिति हो तो जातक के भाई प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं और साथ ही साथ जातक अपने भाइयों को या फिर भाइयों के कारण जातक भी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। आगे चलते हैं मित्रों, अगर सूर्य तृतीय भाव में स्थित है तो यह जातक को प्रसिद्धि दे सकता है। जातक या तो प्रसिद्ध व्यक्ति होगा या फिर उसके प्रसिद्ध व्यक्तियों से अच्छे संबंध होंगे। जातक प्रसिद्ध व्यक्तियों के संबंध के कारण लाभ प्राप्त करेगा। अगर सूर्य तृतीय भाव में शुभ स्थिति में ना होकर स्थित है तब जातक के पिता को स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत रहेगी। अगर सूर्य उत्तम स्थिति में हो तो जातक के पिता प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकते हैं और बुरे प्रभाव कम होंगे। तृतीय भाव में सूर्य जातक को खुद की मेहनत पर ही सफलता दिलाता है। यानी जातक खुद ही अपनी मेहनत करके सफलता प्राप्त करता है। साथ ही साथ जातक अपने दम पर अच्छा धन कमाएगा और एक धनी व्यक्ति बनेगा। अगर सूर्य तृतीय भाव में पीड़ित होगा तो जातक को कानों से या गले से संबंधित समस्या की परेशानी हो सकती है और साथ ही साथ जातक को हाथों में चोट भी लग सकती है अगर सूर्य कहीं तृतीय भाव में पीड़ित है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है। तो मित्रों अभी हमने जाना सूर्य का प्रभाव तृतीय भाव में। मित्रों चलते हैं चौथे भाव या चतुर्थ भाव की ओर। आप जैसा देख पा रहे हैं इस कुंडली में पहला भाव वही है जहां पे लगन लिखा है और सूर्य चौथे भाव में स्थित है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव। मित्रों चतुर्थ भाव को मां का भाव या सुख भाव भी कहते हैं। इसमें स्थित अगर सूर्य है तो आपको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बना सकता है, साथ ही साथ आपको बचत करने की प्रवृत्ति भी देगा। आप देखने में रूपवान हो सकते हैं लेकिन कुछ चिंताएं आपको भी घेरे रह सकती हैं। कोई भी बुरी लत लगने पर या उस लत को छोड़ने में आपको बड़ी कठिनाई होगी अगर सूर्य इस भाव में पीड़ित है। तब आपका ससुराल पक्ष कुछ हद तक समस्याग्रस्त रह सकता है अगर सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है। तब आपको चाहिए कि लालच को आने पास भी फटकने ना दें, यानी अपने पास लालच को फटकने भी ना दें, नहीं तो आपको आर्थिक संकट परेशान कर सकता है अगर सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है। चौथे भाव में सूर्य होने से व्यक्ति को घर एवं वाहन का सुख मिलता है और साथ ही साथ जातक की गुप्त विद्याओं में रुचि होती है। सूर्य के चतुर्थ भाव में होने से माता के सुख में कमी होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में सूर्य होने से जातक को हृदय रोग की भी संभावना रहती है अगर खासकर वह पीड़ित है या शत्रु राशि में है। तब सूर्य के चतुर्थ भाव में होने से कमजोर या फिर पीड़ित होने से सूर्य अगर चतुर्थ भाव में पीड़ित है, कमजोर है, अशुभ स्थिति में है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तब वह जीवन में असंतोष लाता है। तो मित्रों हमने जाना सूर्य के चौथे भाव में होने से क्या रिजल्ट्स या क्या प्रभाव होते हैं अगर कुंडली में सूर्य पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में स्थित है। तब मित्रों चलते हैं और जानते हैं अगले कुंडली में जिसमें सूर्य जो है अगर पंचम भाव में स्थित है तो क्या रिजल्ट आते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख पा रहे हैं फर्स्ट हाउस वही है जहां पे लगन लिखा है और सूर्य यहां पे पंचम भाव में स्थित है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मित्रों पंचम भाव बुद्धि का भाव है या इसे पुत्र भाव भी कहते हैं। यहां पर अगर स्थित सूर्य आपको सदाचार का ज्ञान देता है, यानी आपको एक सदाचार व्यक्ति बनाता है और ऐसे जातक सदैव ही सदाचार का पालन भी करते हैं अगर सूर्य जो है पंचम भाव में स्थित है। आप बुद्धिमान तो हैं ही लेकिन क्रोध आप पर अक्सर हावी हो जाता है सूर्य के पंचम भाव में होने से, जिसके कारण लोगों के बीच आपकी छवि एक क्रोधी व्यक्ति की भी बन सकती है। यहाँ स्थित सूर्य आपको संतान से संबंधित भी परेशानियां दे सकता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और तंत्र मंत्र साधना में इनकी काफी रुचि रहती है अगर सूर्य पंचम भाव में स्थित रहता है। तब जब सूर्य पंचम भाव में हो तो जातक गर्म मिजाज का, तुनक मिजाज और जल्दबाज प्रवृत्ति का होता है। पंचम भाव में सूर्य जातक को अहंकारी भी बनाता है। पंचम भाव में सूर्य जातक को पेट से संबंधित रोग देता है, जैसे लीवर से संबंधित समस्या या पाचन तंत्र से संबंधित समस्या या गैस्ट्रिक आदि समस्याएं पंचम भाव में सूर्य के कारण होती है। यदि सूर्य पंचम भाव में सुरक्षित है या सुरक्षित यूं कहें कि शुभ स्थिति में है तो जातक धनी होता है और साथ ही साथ पंचम भाव में सूर्य अगर पीड़ित हो तो जातक धन से संबंधित समस्या से भी परेशान रह सकता है। तो मित्रों हमने जाना सूर्य अगर पंचम भाव में स्थित है तो वह क्या प्रभाव या क्या रिजल्ट्स रहेंगे कुंडली में पंचम भाव में सूर्य के स्थित होने पर। मित्रों अब चलते हैं अगली कुंडली की ओर जहां पे सूर्य जो है छठे भाव में स्थित है। जैसे आप देख पा रहे हैं लगन पहला भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा भाव, यहाँ पे सूर्य जो है छठे भाव में स्थित है। आप जानते हैं कि सूर्य के क्या प्रभाव रहते हैं अगर छठवें भाव में स्थित है। मित्रों सूर्य छठे भाव में स्थित होने से जातक के शत्रु नहीं होते और सूर्य छठे भाव में शत्रु नाशक भी होता है। जातक में साहस एवं पराक्रम की अधिकता रहती है, वह निडर होता है, उसे शत्रु का कोई भी भय नहीं रहता या कोई डर नहीं रहता। अगर सूर्य छठे भाव में स्थित है, छठे भाव का सूर्य जातक के धन का अपव्यय कराता है, साथ ही साथ जातक के अधिक खर्च करने पर उस पर कर्ज होने की भी संभावना बनी रहती है। यानी छठे भाव का सूर्य जातक के खर्च जो है बढ़ाता है और साथ ही साथ उस पर कर्जा होने की संभावना बनी रहती है। छठे भाव में स्थित सूर्य जातक पर मित्रों के कारण कर्ज होने की संभावना रहती है। सूर्य छठे भाव में स्थित होने से उसकी सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे पड़ती है, जो कि व्यय का भाव है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति अधिक खर्चा करने वाला होता है और वह धन कमाने में उसे काफी बाधाएं आती हैं, या फिर यूं कहें कि धन को बचाने में उसे काफी बाधाएं आती हैं। यहां स्थित सूर्य आपके स्वभाव को कुछ हद तक कठोर भी बना सकता है। सूर्य की यहाँ स्थिति आपके मामा या ननिहाल पक्ष के लिए ठीक नहीं रहती अगर सूर्य कहीं छठवें भाव में स्थित है। तो मित्रों, अभी हमने जाना सूर्य का रिजल्ट अगर वह कुंडली में छठवें भाव में स्थित है तब। मित्रों, आइए चलते हैं अगले कुंडली की ओर, जहां पे हम जानेंगे सूर्य के सप्तम भाव में होने से क्या रिजल्ट रहते हैं या क्या प्रभाव रहते हैं। जैसे आप जानते हैं पहला घर, पहला भाव वही जहां पे लगन लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सप्तम भाव यहाँ पे सूर्य स्थित है। मित्रों, सूर्य के सप्तम में होने से जातक स्वाभिमानी व कठोर होता है। सूर्य के प्रभाव से जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली एवं तीक्ष्ण स्वभाव वाला जातक होता है। सूर्य सप्तम भाव में होने से सूर्य की पूर्ण दृष्टि लगन पर या यूं कहें कि प्रथम भाव पर पड़ती है। सूर्य के प्रभाव से जातक प्रभावशाली, राज्यमान व सफल होता है। वह किसी प्रकार का दबाव सहन नहीं करता और उसका स्वभाव अहंकारी होता है। सूर्य का सप्तम भाव में होने से जातक स्त्रियों के माध्यम से हानि होती है, या फिर यूं कहें कि सप्तम भाव में सूर्य होने से जातक को स्त्रियों के माध्यम से हानि और बदनामी उठाने की संभावना होती है। जातक के विवाह में विलंब होता है और वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। सूर्य के सप्तम भाव में अगर अच्छी स्थिति होने से पत्नी को पति का प्यार व सहयोग प्राप्त होता है, अगर सूर्य अच्छी स्थिति में सप्तम भाव में है तो। सूर्य सप्तम भाव में अगर अशुभ स्थिति में है तब पति और पत्नी में टकराव व विवाद उत्पन्न होते हैं। यदि सूर्य सप्तम भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित है तो यह विवाह की संभावना को भी नकार सकता है, यानी यह भी हो सकता है कि विवाह ही ना हो। साथ ही साथ सूर्य सप्तम भाव में होने से जातक को व्यापार में साझेदारी से लाभ नहीं मिलता है। साझेदारों की वजह से धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है अगर सूर्य सप्तम भाव में स्थित है तो। सप्तम भाव में सूर्य के कारण जातक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रह सकता है। सप्तम भाव में स्थित सूर्य के कारण जातक के सर के बाल कम हो जाते हैं, क्योंकि वह प्रथम भाव पर दृष्टि मारता है। साथ ही साथ जातक साफ सुथरा रूप वाला होता है और जातक सामाजिक व्यवहार में अच्छा नहीं होगा अगर सूर्य जो है सप्तम भाव में स्थित है तो। मित्रों, अभी हमने जाना सूर्य अगर सप्तम भाव में स्थित है कुंडली में तब क्या रिजल्ट्स रहते हैं। अब मित्रों, चलते हैं अष्टम भाव की ओर और जानते हैं कि सूर्य का क्या प्रभाव रहता है अगर वह अष्टम भाव में स्थित है। आप जैसे ये लगन कुंडली देख पा रहे हैं, इसमें सूर्य अष्टम में स्थित है। पहला भाव वहीं जहां पे लगन लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति। मित्रों, अष्टम भाव मृत्यु से संबंधित भाव होता है, अतः सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो जातक की आयु मध्यम आयु होती है और ये इशारा करती है कि जातक की बहुत लंबी आयु नहीं होगी, मध्यम आयु तक वो रहेगा। यदि सूर्य अष्टम भाव में बली हो और साथ ही साथ शुभ स्थिति में हो तब जो है जातक दीर्घायु या लंबी आयु वाला बनता है, अगर ऐसा नहीं है तो वह मध्यम आयु का होगा। लेकिन यदि सूर्य अष्टम भाव में पीड़ित हो और निर्बल हो तब यह जातक को मध्यम आयु का स्पष्ट रूप से संकेत देता है। सूर्य स्वास्थ्य का कारक है मित्रों, अतः अष्टम भाव में स्थित अगर सूर्य है तो जातक को कमजोर बनाता है स्वास्थ्य में, और साथ ही साथ जातक नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रह सकता है। अगर सूर्य बली है तो वह बुरे प्रभाव कम होंगे, किंतु अगर वह कमजोर स्थिति में है तो उसे नाना प्रकार की बीमारियों से वह पीड़ित रह सकता है। यदि सूर्य अष्टम भाव में पीड़ित हो तो जातक को सिर में या मस्तिष्क में चोट लग सकती है या उससे संबंधित समस्या से वह पीड़ित रह सकता है। अष्टम भाव में स्थित सूर्य जातक की आंखों की रोशनी की समस्या भी देता है। वास्तव में यह सूर्य के बल और उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा कि जातक की आंखों की रोशनी कैसी रहेगी। अगर सूर्य अष्टम भाव में बुरी तरह से पीड़ित है तो जातक को आंखों से संबंधित गंभीर समस्या भी दे सकता है। सूर्य अष्टम भाव में होने से जातक झगड़ालू स्वभाव का तथा खर्च अधिक करने वाला होता है। जातक कामी, अस्थिर विचार वाला एवं बातूनी होता है अगर सूर्य अष्टम भाव में कुंडली में स्थित हो। अष्टम भाव मित्रों सट्टेबाजी से संबंधित भाव होता है। यदि सूर्य अष्टम भाव में स्थित होकर 11वें भाव से भी संबंध बना के स्थापित कर रहा है तब मित्रों जातक को सट्टेबाजी से काफी धन कमाई होती है या काफी धन कमा सकता है अगर सूर्य अष्टम भाव में 11वें भाव के स्वामी या 11वें भाव से कोई संबंध स्थापित करता है। तब अष्टम भाव में सूर्य द्वितीय भाव पर दृष्टि डालता है, यहाँ पे उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। अगर अष्टम भाव में सूर्य बैठा है तो द्वितीय भाव में सूर्य पूर्ण दृष्टि डालता है। अतः जातक अपने परिवार से अलगाव का सामना करेगा या फिर जातक के परिवार में सदस्यों की संख्या में कमी रहती है अगर सूर्य अष्टम भाव में स्थित है। तो मित्रों हमने अभी जाना कि अगर कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में स्थित है तब जो है मित्रों क्या रिजल्ट्स रहते हैं। अब मित्रों चलते हैं अगली कुंडली की ओर जहां पे सूर्य जो है 9वें भाव में स्थित है। जैसे आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वां भाव। मित्रों 9वें भाव में सूर्य स्थित होने से जातक को धन का सुख मिलता है। ऐसा जातक देवताओं और ब्राह्मणों का आदर करता है। सूर्य के 9वें भाव के प्रभाव से जातक गुरुजनों का आदर करने वाला और उनमें श्रद्धा रखने वाला होता है। 9वें में स्थित सूर्य जातक को प्रसिद्धि जरूर देता है। सूर्य धर्म का कारक है। सूर्य के 9वें भाव में स्थित होने से सूर्य के प्रभाव से जातक की प्रवृत्ति धार्मिक रहती है, यानी वह धार्मिक कार्यों में संकलन रहता है, यानी काफी धार्मिक कार्य करता है जातक। जातक साहसी होता है। सूर्य 9वें भाव में होने से सूर्य के प्रभाव जातक को सच बोलने पे मजबूर करते हैं, यानी जातक हमेशा सच बोलने वाला होता है और साथ ही साथ वह दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है अगर सूर्य जो है 9वें भाव में स्थित है। सूर्य 9वें भाव में स्थित होने से उसकी सप्तम या पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, जिसके कारण जातक अपने भाइयों से कष्ट प्राप्त होता है, यानी जातक को अपने भाइयों से कष्ट प्राप्त होता है अगर जो है सूर्य 9वें भाव में स्थित है। किंतु यह जातक को पराक्रमी बनाता है। 9वें भाव का सूर्य वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जातक के अपने पत्नी से संबंध अच्छे नहीं होंगे। जातक को अच्छे मित्र प्राप्त होंगे। जातक लंबी यात्राएं करेगा और साथ ही साथ यह यात्राएं धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। आपको विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख मिलेगा। आपके पास कई नौकर चाकर होंगे। आपकी रुचि ज्योतिष या किसी अन्य गूढ़ विद्या में भी हो सकती है अगर सूर्य 9वें भाव में स्थित है। मित्रों सूर्य की यह स्थिति आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करेगी और आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो मित्रों हमने जाना अभी रिजल्ट अगर सूर्य जो है 9वें भाव में स्थित है तब। तो मित्रों चलते हैं अगली कुंडली की ओर और जानते हैं कि सूर्य अगर 10वें भाव में स्थित है तो क्या प्रभाव रहेंगे। आप जैसा देख पा रहे हैं इस कुंडली में सूर्य 10वें भाव में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10वें भाव में स्थित है। मित्रों सूर्य 10वें भाव में स्थित होने से सूर्य के प्रभाव से जातक राज्य मान्य या फिर राज्य मंत्री होता है। 10वें भाव में सूर्य स्थित होने से जातक को पिता का सुख मिलता है। सूर्य के दशम भाव में शुभ स्थिति होने पर सरकारी तंत्र से सहयोग प्राप्त होता है, किंतु अशुभ स्थिति होने पर परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। सूर्य दशम भाव में स्थित होने से जातक राजा समान ऐश्वर्यशाली रहता है। ऐसे व्यक्ति का आचरण शुद्ध होता है तथा वह सम्मान प्राप्त करता है। सूर्य के प्रभाव से जातक विद्वान, यशस्वी तथा बलवान होता है अगर सूर्य दशम भाव में स्थित हो। सूर्य दशम भाव में स्थित होने से सूर्य की पूर्ण दृष्टि चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव पर पड़ती है, जिससे जातक को माता के सुख में कमी रहती है या फिर माता का सामान्य सुख ही मिल पाता है। आपके भीतर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है अगर सूर्य दशम भाव में स्थित हो। अतः आप लोगों को नेतृत्व भी कर सकते हैं, यानी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आप किसी उच्च सरकारी पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं या फिर सरकार द्वारा सम्मानित हो सकते हैं या खुद सरकार का एक अंग हो सकते हैं अगर सूर्य शुभ स्थिति में दशम भाव में स्थित है। तो मित्रों, अभी हमने जाना सूर्य अगर दशम भाव में स्थित है कुंडली में तो उसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं। मित्रों, अब चलते हैं अगली कुंडली की ओर और जानते हैं कि सूर्य अगर एकादश या 11वें भाव या लाभ भाव में स्थित है तो क्या रिजल्ट होते हैं। जैसा आप इस कुंडली में देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सूर्य 11वें भाव में या यूं कहें लाभ या एकादश भाव में स्थित है तो क्या होता है। सूर्य एकादश भाव में स्थित होने से जातक धनवान एवं सुखी होता है। सूर्य के एकादश भाव में स्थित होने से जातक की आमदनी अच्छी रहती है तथा शारीरिक तौर पर ऐसा जातक बलवान होता है। जातक को कई प्रकार से धन लाभ प्राप्त होता है। सूर्य के एकादश भाव में स्थित होने से जातक के मित्र भी ज्यादातर ऊंची पदवी के होते हैं। ऐसे जातक के मित्र अधिक होते हैं तथा जातक मित्रों से अपने जीवन में लाभ प्राप्त करता है तथा जातक भी अपने मित्रों की पूर्ण रूप से सहायता करता है। एकादश भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक में अच्छे बुरे मनुष्य की पहचान करने की शक्ति होती है। सूर्य के एकादश में स्थित होने से जातक स्वाभिमानी, योगी एवं सदाचारी बनता है। सूर्य शुभ स्थिति में होने से जातक की इच्छाएं पूर्ण होती हैं एवं बड़े भाइयों से उसे सहयोग प्राप्त होता है। सूर्य अगर एकादश भाव में स्थित है तो सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि पश्चिम भाव में पड़ेगी, यानी पूर्ण दृष्टि सूर्य की पंचम भाव में पड़ती है। पंचम स्थान मित्रों बुद्धि का एवं संतान का होता है। सूर्य की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पड़ने से जातक विद्वान होता है, परंतु जातक को संतान पक्ष से चिंता का सामना करना पड़ता है या संतान पक्ष से उसको चिंता रहती है। सूर्य एकादश भाव में जातक को प्रशासन या सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करवाता है। सूर्य एकादश भाव में जातक को प्रमोशन या ऊंची पदवी या पोस्ट दिला सकता है। सूर्य एकादश भाव में जातक को सरकार से पुरस्कृत करवा सकता है और साथ ही साथ जातक का उत्तम नाम और फेम होता है। तो मित्रों, अभी हमने जाना सूर्य का प्रभाव या रिजल्ट अगर वह एकादश या लाभ भाव में कुंडली में स्थित है तब। मित्रों, अब चलते हैं अगर सूर्य 12वें या द्वादश भाव में स्थित है। जैसा आप ये कुंडली में देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12। मित्रों, अगर कुंडली में द्वादश भाव या 12वें भाव में सूर्य स्थित है तो वह जातक को प्रसिद्ध एवं भाग्यशाली बनाता है। जातक की प्रसिद्धि जन्म से दूर के स्थलों में भी हो सकती है। सूर्य पिता का कारक ग्रह है और यह द्वादश भाव में विराजमान है, अतः जातक को अपने पिता के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है या फिर वह अपने पिता से दूर रह सकता है। सूर्य नेत्र ज्योति का कारक ग्रह भी है, अतः द्वादश भाव में स्थित सूर्य जातक को नेत्र संबंधित समस्या भी दे सकता है। जातक को अनिद्रा यानी नींद ना आना से संबंधित समस्या से भी परेशान रह सकता है। साथ ही साथ उसे माइग्रेन रिलेटेड समस्या से भी परेशानी रहती है अगर सूर्य कहीं 12वें भाव में स्थित है तब। जातक के शारीरिक सुखों में कमी होती है, या फिर यूं कहें कि सूर्य अगर 12वें भाव में स्थित है तो जातक को शारीरिक सुखों में कमी का अनुभव करेगा। 12वें भाव में स्थित सूर्य जातक को सरकार या प्रशासन से परेशानी देता है, साथ ही साथ जातक को सरकारी आदेश के अनुसार नुकसान या धन की हानि की संभावना हो सकती है। जातक एक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा और वह धार्मिक कार्यों में रुचि रखता होगा तथा धर्म और अध्यात्म से संबंधित विषयों में भी उसकी बड़ी रुचि रहेगी अगर सूर्य 12वें या 12वें भाव में स्थित होगा। जातक शत्रुओं से घिरा रह सकता है और शत्रु जातक को परेशान कर सकते हैं अगर सूर्य 12वें भाव में स्थित है, किंतु फिर भी जातक अपने सारे शत्रुओं पर सफलता प्राप्त करेगा अगर 12वें भाव का सूर्य है तब। तो मित्रों, अभी हमने जाना सूर्यों की 12वें भाव में स्थिति क्या रहेगी। अब हम जानते हैं उपाय। मित्रों, अगर सूर्य किसी भी भाव में शुभ स्थिति में है, यानी वह उच्च का है, अपने घर में है या मित्र राशि में है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तब आप रूबी या माणिक रतन पहन सकते हैं। किंतु अगर सूर्य अशुभ स्थिति में है या फिर पीड़ित है, तब आप जो है सूर्य का बीज मंत्र कर सकते हैं, खासकर रविवार के दिन, जो कि है ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सह सूर्याय नमः। साथ ही साथ मित्रों, आप रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस पे लाइक करें, कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मित्रों, अगर आपको मुझसे कुछ परामर्श की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9911351351 पर, या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं www.astrologerraman.com पर। धन्यवाद मित्रों। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुडा, गुड़गांव, हरियाणा 122001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911351351, 08130201201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।